बटा दो, दो बटे चार, हे पत्नी तुम कभी न लड़ना, ओनली करना प्यार। हेलो इंडिया, वी आर योर होस्ट जेनेलिया एंड रितेश डी, प्रेजेंटिंग दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। Let's call our highly opinionated four BFFs, yane bahut famous friends. Ladies ke side hai emotional strength ka powerhouse Rashmi Desai aur Chulbuli Bulbuli and the very smart Tejasvi Prakash. Aur gentlemen ko represent karenge the man with many caps Vikas Gupta aur ladkiyon ka heartthrob Karan Kundra. Man with many hats. Many hats. I don't wear hat, but yeah. But कोई फायदा नहीं, don't learn. उसको introduction switch करना है, उसको लड़कियों का heartthrob बनना है. क्या फायदा है? हिंदुस्तान के heartthrob. जो बात गुप्त नहीं रही, जो बाहर खुल के आ चुकी है सबके सामने. विकास गुप्ता. 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 अब मैं, शर्मा गया. Go fight. क्या बात है? आज का पहला सवाल है, कितने परसेंट मर्दों को लगता है कि औरतें खराब ड्राइवर होती है? ऑल द मेन, ऑल द मेन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्लाइडर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए अपना परसेंटेज। कर दिया। वो सेकंड्स देख के फिर आंसर कर रही है। ड्रामा लाने की कितनी आदत है। तो आइए देखते हैं लेडीज का एवरेज परसेंटेज क्या है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, 80% लेके जाना है। देखो औरत औरत की दुश्मन होती है, 100% नहीं है दुश्मन। हम लिख रहे कि मर्दों को इतनी गलत फहमी होती है, 100% खुद ही बोल रही है, लड़के गलत सोच रहे हैं, ये बता रहे हैं। अरे प्लीज, तुम जैसे हो वैसा तुम्हें लगता है बाकी लोग सोचते हैं। ओके लेट्स सी व्हाट्स द जेंटलमैन्स आंसर। घमासान युद्ध, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Exactly, इतनी बहस करके क्या? क्या फायदा? I asked Ritesh, I said, what do you think that women can multitask? He said, yeah, of course. I think only women can multitask. I mean, they're damn good at it. But just like how they are bad drivers. Like, men are just better drivers. No, मैंने ये नहीं बोला। ये ही बोला था। मैं हम लोग जब डेटिंग कर रहे थे ना, तो मैंने एक नई गाड़ी ली और मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ड्राइव पे लेके जाता हूँ। तो इनको ड्राइव पे लेके गया मैं वर्ली सी फेस पे, और शी से व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, लवली, ड्राइव करके वापस आ गए। आई सेड नो यू हैव टू ड्राइव। नो नो, आई डोंट ड्राइव, आई कांट ड्राइव। आई सेड नो नो, इट्स ओके बेबी, यू कैन ड्राइव, कम ऑन, लेट्स जस्ट ड्राइव। ओके ओके ओके, आई विल ड्राइव, आई विल ड्राइव। शी सेड दिस इज डैम फास्ट यार, अरे सो सो नाइस यार। और सामने स्पीड ब्रेकर है, ओह माय गॉड स्पीड ब्रेकर, आप क्या करोगे, ब्रेक दबाओगे या गलती से एक्सीलेटर ऊपर करोगे? ये औरत, ध्यान से देखो इस औरत को, इसने स्पीड ब्रेकर देखती दोनों पैर ऊपर कर लिए। दैट्स ट्रू, बट आफ्टर दैट, माय गॉड क्या गाड़ी चलाती है। मेरी शादी की गाड़ी भी यही चला रही है। तो ये रही लेडीज और जेंटलमैन और होस्ट की सोच, लेकिन आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। आई थिंक 80% ही होगा। व्हाट? 34%। इंडिया है गलतफहमी का शिकार। हेलो, हाँ तो होस्ट और हमारे पैनलिस्ट यही बोल रहे हैं कि इंडिया ये गलत है, ये झूठ है, आपके एक्सपीरियंसेस गलत रहे हैं। इंडिया कभी गलत नहीं हो सकता। करेक्ट, इंडिया की सोच सही है। करेक्ट, बिल्कुल 34। इंडिया की सोच है 34%। आप दोनों की सोच एक दूसरे से एकदम हूबहू मिल चुकी है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया की सोच से बहुत बहुत कोसो मीलो दूर है। यू आर हैप्पी विद दिस आंसर राइट? मुझे हंसी आ रही है। क्यों?
क्योंकि अगर लड़कियां गाड़ी चला रही होती है, लड़का भी बगल से जा भी रहा होता है ना, चलाते चलाते देखिएगा ओ This is a good India. I love this India. I love this India. Very good. I believe women are better drivers. Yes, you better. Because not only can we drive cars very well, we can drive you nuts also very well, okay? You can drive the driver. So beware. Let's move on to the next question. कितने परसेंट लोगों को लगता है कि औरतें अमीर आदमियों के साथ ही सेटल होना चाहती हैं? और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से स्लाइडर पे पूरी लॉयल्टी के साथ अपना परसेंटेज सिलेक्ट कर दीजिए. What percent of people believe that women want to settle down with rich men only? तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. 60%. आओ देखते हैं क्या है जेंटलमैन का स्कोर. ये क्या काटा बेटी की है? बस वही, इसीलिए की है. 50%. आप 50% क्यों बोलते हैं? ये शुरू होता है कॉलेज से थोड़ा पहले कि इफ यू वांट टू इंप्रेस विमेन तो आपको महंगी गाड़ी में घूमना होगा, यू हैव टू डू रियली वेल इन लाइफ, आपको एक स्टेटस बनाना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छी लड़की यू नो उसके साथ आपकी शादी हो सके. और आपके रिश्ते भी जब आप करवाते हो तो वहाँ बोला जाता नहीं हम आपसे बड़े घर में जाएगी. ओके. हाँ, लेकिन वो ये क्वेश्चन ही पूछते जब है ना तो वो इस नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ पूछा जाता है कि अगर कोई लड़की बोल रही है कि उसे एक अच्छे घर में सिक्योर घर में जा रही है तो शी इज़ लिटिल चालू, पर वो है नहीं. I feel that sometimes it, you know, goes into a zone where it's misinterpreted as only wealth. I think it's a lot of times that a girl wants to look up to a guy and want to be with a guy who's very driven. Yeah, driven. कि मतलब भले अभी पैसा ना हो, वो लगन है, वो कर लेगा बंदा. और जब आप में वो ड्राइव होती है कोई चीज करने की तो पैसा मुझे लगता है कि आ ही जाता है. रश्मि आप क्या कहना चाहती हैं? आई थिंक लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को पैसे वाला ही चाहिए, या अगर अरेंज मैरिज है तो डेफिनेटली फैमिली वुड वांट कि लड़की हम जो है उससे चार कदम बड़ी फैमिली में जाए ताकि वो जो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज और एक प्लेसमेंट होती है फैमिली के बीच में वो इजीली हो जाती है. एंड सेकंड ये होता है व्हाट आई सी इन टुडेज वर्ल्ड, आपको अडैप्ट करनी है वो चीज़ें जो आपके रीच से बाहर है. सो आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में इवन अ यंगर गर्ल वुड वांट टू सेटल डाउन विद अ मैन हु हैज सिक्योरिटी. नहीं यंगर गर्ल नहीं, ये तो इन्फेंट स्टेज से यार. आप सिंड्रेला की स्टोरी, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, कोई प्रिंस आएगा आपको लेके जाएगा, ये तो बचपन से आपको सिखाया जाता है ना कि कोई अमीर प्रिंस आएगा और वो एक सिंड्रेला को रेस्क्यू करके लेके जाएगा, या फिर एक शहजादा आएगा और वो शहजादी बना के लेके जाएगा. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई मीन, बिकॉज़ आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल करके कहीं पहुंचते हो, यू डोंट वांट योर किड्स टू फेस द सेम प्रॉब्लम. करेक्ट, बट व्हाट इज योर अप्रोच टू इट? According to the question, I feel ये believe है, मतलब लोग सोचते हैं. Correct. But in real life, it's a myth. Women only wants to get love and they only want respect. Even the Cinderella part, I feel happens when you are looking for a शहजादा. पर अगर आपको प्यार हो गया ना, फिर वो शहजादा हो ना हो. अच्छा, जितनी हमारी कितनी सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका प्रमाइस ही होता है कि एक अमीर you know, लड़की को एक गरीब लड़का पटा लेता है. क्यों? क्योंकि वो स्टिग्मा है. दैट्स व्हाई इट वर्क्स, दैट्स व्हाई यू वांट टू सी दिस फिल्म, कि क्या होगा, क्या ये गरीब लड़का अमीर लड़की पटा पाएगा. एज अ सोसाइटी एक स्टिग्मा है, तभी हमें एंटरटेनमेंट उसमें अच्छी लगती है. सी, इंडिया इज टू वास्ट कंट्री. ऐसे कई अमीर पिता है और हो सकता है कि नॉट वेल टू डू लड़का हो तो दे से ओके फाइन, आप शादी कर लो, वी विल सपोर्ट हिम टू डू समथिंग. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट वे आल्सो इन सोसाइटी. तो ऐसा नहीं है कि ये वन वे ही है. ऐसा भी होता है कि टू एन अननोन पर्सन इन अरेंज मैरिज, आप यही चाहते हैं कि आपकी बेटी एक स्टेबल घर में जाए, और वैसा सोचना कुछ बुरा नहीं है. इट हैपेंस मोर व्हेन इट्स बीइंग अरेंज्ड, आई थिंक. करेक्ट, यस. चलो देखते हैं कि इंडिया की सोच क्या है. इस सवाल का सही जवाब है 40%. इस सवाल के लिए जेंटलमैन की सोच करीब है इंडिया की सोच से. सो लेट्स गो टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे.
कितने परसेंट लोगों को लगता है कि कपल्स खाली लिफ्ट का फायदा उठाते हैं? Your time starts now. Done? Done, done, done. क्या बात है यार? 5, 4, 3, 2, 1. तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. 60%. क्या बात है लड़कियों. Let's see gentlemen का जवाब. 70%. तो जेंटलमैन से पूछते हैं, क्या आपने कभी खाली लिफ्ट का फायदा उठाया है? हमेशा हमेशा हमेशा. इट्स सच अ थिंग नो, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले लिफ्ट में हो तो, और वैसे भी आई थिंक इट्स क्यूट. ऑफ कोर्स. आपने कभी? विकास जी. जी सर, जब मौका मिलता है तो हम खेल लेते हैं, पर वैसे तो नहीं करना चाहिए. इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. पब्लिक प्लेसेस इज नॉट अ राइट प्लेस. पब्लिक का है वहाँ? अच्छा, तो लिफ्ट पापा जी ने खरीद के दी थी मेरे. अरे पर उस टाइम पे तो पब्लिक नहीं है ना. अरे क्यों पब्लिक नहीं है? इट्स अ पब्लिक लिफ्ट यार. वो लिफ्ट खाली है. इतनी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में, कई तो जगह मिलती है अकेले में. अरे यार. It's probably just an expression of love. Yeah, no, he's talking about. No, excuse me. अरे ये अपने घर के लिफ्ट की बात कर रहा है, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर नहीं डाला है उसने. नहीं पर अगर इस किसी की बात करे तो वो तुम कार में बैठ के कर लोगे, कहीं भी कर लोगे, उसके लिए लिफ्ट का क्या तुम्हें ऐसे? एक एक्साइटमेंट है ना. अरे लिफ्ट बंद हो गया विकास. ऊंची है बिल्डिंग, टारा नारा नारा ना, लिफ्ट तेरी बंद है. लिफ्ट बंद है, अभी अटक गए हो. जैसे मैं मस्ती करता, मैं तुम लोग की असलियत निकलवा रहा था. कैसे? अच्छा आप बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 60% मैन जैसे लिफ्ट में कोई नहीं. चुम्मा चुम्मा. मुझे लगता है कि उठाते हैं फायदा, तो 100% उठाते ही है. पर फिर भी मैंने 60% लिखा है. या आई थिंक उठाना भी चाहिए. नहीं उठाते तो आप अपने पार्टनर के साथ हो. ये एक प्यार दिखाने का तरीका है, हाउ स्पेशल यू आर. एंड आई थिंक एक दूसरे के लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल हो जाता है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. आई विल टेल ऑल माय फ्रेंड्स और गर्ल्स एंड माय सिस्टर दैट You should be careful. हाँ तो वो तो चेक करेंगे ही ना. No, it's not with an outsider. It's the couple, no? The couple is what couple? आज होंगे couple, कल नहीं होंगे couple. वो तो कहीं पे भी हो सकता है. हाँ तो कल नहीं जाएंगे कट्ठे लिफ्ट में बाबा. But I think that's absolutely fine even if you break up little later. But you had that feeling for each other and that doesn't count. No, I'm not saying it's not fine. अरे एक सेकंड, MMS थोड़ी बन रहा है यार. लिफ्ट में हाथ पकड़ रहे हैं यार. Oh yeah. हाँ. All right, तो देखते हैं क्या है इंडिया की सोच. है इंडिया की सोच. इस सवाल का सही जवाब है 60%. इस सवाल के लिए लेडीज की सोच मैच करती है इंडिया की सोच के साथ. कांग्रेचुलेशन लेडीज.